Good morning, my lovely student. Welcome to our math session. Open the page number 74. Today we are going to start our new concept, dividing 3-digit number by 1-digit number. 2-digit number को 1-digit number से कैसे divide करते हैं ये हमने देखा. तो आज हम क्या देखेंगे, 3-digit number को 1-digit number से कैसे divide करते हैं without remainder. ठीक है, तो step by step हम examples लेंगे. So first example. सो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ स्टूडेंट, जो मैं पेन से लिखती हूँ क्यों, क्योंकि वीडियो में आपको क्लियर दिखना चाहिए, तो आपको पेंसिल से लिखना है. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क डेट, देन गिव हेडिंग डिवाइडिंग 3-digit नंबर बाय अ 1-digit नंबर विदाउट रिमाइंडर. नाउ वी विल सी अवर एग्जाम्पल्स. 217 डिवाइडेड बाय 7. फर्स्ट डिवाइड 2 बाय 7, जो 100 प्लेस का नंबर है. आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो फर्स्ट नंबर आता है उसको आपको पहले डिवाइड करना है. ठीक है, सो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्या 7 से? नहीं. तो हम क्या करते हैं, उसके आगे के नंबर के बारे में सोचते हैं. अब ये दो नंबर्स का ग्रुप बना लो. सो क्या हो गया, 21. सो 7 से 21 को डिवाइड करो. 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21. 7 थ्री जा 21. सो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, 21 के नीचे 21 लिखना है. अभी 21 में से 21 माइनस करना है, 0 0. देन ब्रिंग डाउन दिस 7, ये 7 नीचे लाना है. अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इस 7 से डिवाइड करेंगे. 7 वन जा 7, 1 यहाँ पे लिखना है, तो बिल्कुल 7 के नीचे 7 लिखना है. तो 7 माइनस 7 0. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, 244 डिवाइडेड बाय 4. सो जो फर्स्ट नंबर आप लेते हो पहले 100 प्लेस का, ये 3-digit नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पहले 100 प्लेस का डिजिट लेंगे. पहले देखेंगे 100 प्लेस का डिजिट इससे डिवाइड हो रहा है क्या. अब ये 2 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 छोटा है 4 से, है ना, तो हम उसके आगे का नंबर भी आगे का डिजिट भी उसके साथ जोड़ लेंगे 10th प्लेस का. सो ये हो गया 24. सो अब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे. सो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20 एंड 4 सिक्स जा 24. तो 6 आपको यहाँ पे लिखना है, 24 के नीचे 24 लिखना है, यहाँ पे 0. देन हम जो वंस प्लेस का डिजिट है वो नीचे लाएंगे 4. अब इस 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 वन जा 4. सो यू हैव टू राइट 1 हियर एंड 4 हियर, 4 माइनस 4. बाद में हम क्या करते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, 363 डिवाइडेड बाय 3. तो ये 3-digit नंबर को हम 1-digit नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम 100 प्लेस का डिजिट लेंगे. 100 प्लेस का डिजिट कौन सा है, 3. सो 3 से 3 डिवाइड होगा क्या, यस. तो आगे के नंबर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो ही आगे का डिजिट लेना है हमें, है ना. 3 वन जा 3, 3 माइनस 3 0. देन हम जो नेक्स्ट डिजिट है 10th प्लेस का 6, तो वो 6 हम नीचे लाएंगे. नाउ वी विल डिवाइड दिस 6 बाय 3. 3 टू जा 6, सो वी विल राइट 2 हियर एंड 6 हियर. अब हम ये दोनों 6 की सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 माइनस 6 0. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन अवर नेक्स्ट डिजिट, तो नेक्स्ट डिजिट हम नीचे लाएंगे. नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3 वंस प्लेस का. अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे. 3 वन जा 3, सो क्वेश्चन में 1 राइट करना है, 3 के नीचे 3 राइट करना है. 3 माइनस 3 0, और क्वेश्चन इज 121. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, 372 डिवाइडेड बाय 6. अब हम 100 प्लेस के डिजिट के बारे में सोचेंगे, तो ये 3 है और डिवाइजर क्या है 6, तो 3 इज नॉट डिवाइडेड बाय 6, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 100 और 10th प्लेस दो डिजिट लेंगे, आगे का डिजिट पकड़ना है. सो नंबर हो गया 36. अब हम 37, तो अब हम 37 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 37 भी टोटली 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना है, 6 6 जा 36 लेना है. 37 से बिल्कुल छोटा वाला नंबर जो आपको 6 के टेबल में मिलेगा वो 36 मिलेगा, वो लेना है. 37 माइनस 36, तो 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 3 0, तो रिमाइंडर 0 बच गया. अब क्या करना है, नेक्स्ट वंस प्लेस का डिजिट बचा है, तो वो हमें नीचे लाना है इस 1 के साथ. ब्रिंग डाउन दिस 2 हियर, तो हमारा डिविडेंड क्या बन गया, 12. नाउ वी विल डिवाइड दिस 12 बाय 6. 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, सो 2 हमें यहाँ पे लिखना है, 12 के नीचे 12 लिखना है. 12 माइनस 12 0. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल,
492 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम क्या करते हैं, यस वेरी गुड, 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसके बारे में सोचते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हमारे डिवाइजर से। अब 4 डिवाइड होगा क्या 2 से, यस नहीं डिवाइड हो रहा है तो हम आगे के नंबर के साथ जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो करना है। 2 2 4, सो 2 के टेबल में सेकेंड प्लेस पे 4 आता है इसलिए 2 आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दो। 4 माइनस 4 0। अब हम टेंथ प्लेस का जो डिजिट है वो नीचे लाएंगे 9। अब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे। 9 इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2, मतलब फुल्ली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 से छोटा नंबर तो हमें मिलेगा ना 2 के टेबल में, यस yes. तो 2 का टेबल हम कहाँ तक बोलेंगे, 4 तक। 2 4 8, तो 4 आप यहाँ पे लिखो, 8 आप यहाँ पे लिखो। अगर हम 2 5 10 कर दे तो वो 9 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 8 लेना पड़ेगा। 9 से एग्जैक्टली छोटा नंबर जो हमें 2 के टेबल में मिलता है वो 8 मिलता है, तो 8 हमने यहाँ पे ले लिया। 9 - 8 1 इज लेफ्ट, ओके तो ये आ गया 1। तो आगे कौन सा डिजिट बचा है, 1 प्लेस का डिजिट, ये 2। अगर आपने एरो नहीं भी किए तो भी चलेगा, अगर करते हो तो प्रॉपर करने हैं। तो ये 2 हम क्या कर लेंगे, नीचे लाएंगे। अब हमारा डिविडेंड क्या बन गया, 12 बन गया, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, तो 6 हमें यहाँ पे लिखना है, 2 के टेबल में 12 आता है ना, सो 12 के नीचे 12 लिखना है। 12 - 12 0। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, 859 डिवाइडेड बाय 2, सो 100 प्लेस का डिजिट कौन सा है, 8। 2 4 8, तो हम 8 के नीचे 8 लिखेंगे, 8 में से 8 माइनस करेंगे, आया क्या 0। देन 10 प्लेस का डिजिट कौन सा है, 5, वो आपको नीचे लाना है। अब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 2 5, तो 2 आपको यहाँ पे लिखना है, सॉरी 2 2 5 नहीं 2 2 4, तो 2 आपको यहाँ पे लिखना है, 4 आपको 5 के नीचे लिखना है, मतलब 5 से छोटा नंबर हमने फाइंड आउट किया है 2 के टेबल में। 5 - 4 1। अब हम 1 प्लेस के डिजिट के बारे में सोचेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और उसको नीचे लाएंगे, ब्रिंग डाउन दिस 1 प्लेस डिजिट हियर 9, एंड अवर डिविडेंड इज नाउ 19, सो 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 8 था, यहाँ पे क्या था 8, तो हम क्या करेंगे इस 8 को नीचे लाएंगे, ठीक है। 2 9 18, अब हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 18 - 18 0, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, एग्जाम्पल्स आपको पहले के यहाँ पे लिखने हैं, आपकी नोटबुक में लिखने हैं प्रॉपरली, ठीक है। 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। अब देखो, अब आपको क्या करना है, और आपको मैं होमवर्क देती हूँ, आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। वीडियो में क्लियरिटी के लिए मैंने पेन से लिखा है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो आपको पेज नंबर 75 ओपन करना है, देन एक्सरसाइज 5.7 है, तो उसमें से मैंने ए बी देन ई एफ एंड आई, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूरा सॉल्व करना है, सेकेंड वाला करना नहीं है। ये फर्स्ट वाले में से 5 मैंने अभी लिए हैं एग्जाम्पल्स मेरी नोटबुक में, एक मैंने खुद का लिया है वो भी आपको लिखना है, और ये जो रिमेनिंग 7 एग्जाम्पल्स बचते हैं ये आपको सॉल्व करना है, एकदम प्रॉपरली सॉल्व करना है स्टूडेंट, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप करना है, हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है इतना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 का, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और आपके आपने जो सॉल्व किए हैं ये वो एग्जांपल्स के फोटो मुझे प्रॉपरली ग्रुप पे आपको डालने ही डालने हैं, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।